अच्छा ये देखिए पूरा कर रहे हैं। इस समय मैं केंद्रीय विद्यालय 2 नंबर पे खड़ा हूँ और चूंकि ये लर्निंग पार्क के लिए बहुत ही फेमस स्कूल है तो आइए हम यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल रेखा सक्सेना जी से पूछते हैं कि आखिर क्या है ये पार्क, इन्होंने कैसे डेवलप कराए। मैडम क्या कॉन्सेप्ट लेकर के जो है, क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब किस तरीके से आपने ये पार्क डेवलप करा? एक टीचर की हैसियत से, प्रिंसिपल से पहले मैं एक टीचर हूँ, एक टीचर की हैसियत से मैंने हमेशा ये महसूस किया कि जब हम किताबी ज्ञान बच्चों को देते हैं क्लासरूम के अंदर, कई बार वो रुचिहीन हो जाता है। नीरस होने के कारण बच्चे उस चीज़ को बहुत लंबे समय लगा कर सीखते हैं। तो बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाए, बन जाए और वो करके देख कर सीखें, उस धारणा को सामने रखकर मैंने अपने स्कूल में लर्निंग पार्क्स डेवलप किए हैं। कौन कौन से पार्क हैं यहाँ स्कूल में? सबसे पहले हमने यहाँ मैथमेटिकल पार्क बनाया। मैथमेटिक्स चूँकि सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों के लिए, तो इससे हमें बहुत अच्छे नतीजे सामने आए क्योंकि उस पार्क में बच्चे खुद ही मेज़र करते हैं और अपना जो मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करते हैं। उसके बाद मैंने ये ज्योग्राफिकल पार्क बनाया। ज्योग्राफिकल पार्क से भी मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। मेनली हमारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा क्लियर होते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सॉइल प्रोफाइल दिखाई गई है। मतलब अगर हम नॉर्मली इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन उसमें सॉइल की हर एक लेयर के बारे में अच्छे से पता चला है और यहाँ पे किस तरह की रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। वहाँ पे हम ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं कि कहाँ से पानी आता है और क्या क्या अपनी वो जो भी प्रोसेस करता है उसमें क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनती हैं वो क्लियर हो जाता है। बाकी यहाँ पे दो आपको दिखाए गए हैं हम कि अंटार्कटिका और गर्म रीजन का एक पोर्शन दिखाया गया है। पूरा सोलर सिस्टम वहाँ पे है। पीछे थोड़ा सा आदिवासी एरिया दिखाया गया है।